तुमने बनाया ये सूप? मैंने कहा बनाया है? वो तो समन लेकर आई थी ना अस्मा के लिए, लेकिन अस्मा से पिया ही नहीं जा रहा था, तो मैंने सोचा रिस्क जाया होगा तो मैंने पी लिया। लेकिन पी तो लिया, कसम से इतना बुरा सूप था, इतना बुरा सूप था, मुझे तो अब मतली हो रही है अम्मी। अभी अभी देखो लगा हुआ है इसके अंदर, चाट के देखो कितना गंदा बनाया है, जरा सा भी जायका नहीं है, अजीब लेजिजा सा। अगर इतना बुरा था तो तुमने पिया क्यों? अरे फिर कहा तो ना कि रिस्क था, जाया हो जाता। आप भी ना बात की खाल निकालने बैठ जाती हैं। हाय हाय अम्मी, हाय ताता, जरा अजवाइन और नमक पकड़ा रहा, मुझे कसम से बहुत पतली हो रही है, पे आ रही है पे। पता नहीं कैसा सूप लेके आई थी समर की बच्ची। अस्मा को खाना दे दिया? अरे भाई दे दिया ना खाना, वही तो देने गई थी, और ये सूप मेरे गले पड़ गया, बिना वजह पी लिया मैंने। अब ऐसी अजीब अजीब सी फीलिंग हो रही है मुझे, कसम से गैस भी हो रही है, यहाँ पे अटका हुआ है। जरा वलीद को बोल दे प्लीज के वो ना उसको फोन कर दे, बाहर गया हुआ है, मेरे लिए ना सोडा ले आए, बोल दे ना प्लीज। अंबर से कहो वो फोन कर देगी। अरे अंबर के पास कहाँ क्रेडिट होता है, उसके फोन में तो पैसे ही नहीं होते बेचारी के, वो कहाँ से करेगी। आप बस वलीद को कह दे, आप प्लीज कह दे, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, आने वाली यहीं पे कर दूंगी अभी, मैं बता रही हूँ मैं। और हाँ आज ना एक काम करे, मैं ना जा रही हूँ थोड़ा आराम करने के लिए, अगर नींद आ गई तो मुझे उठाना नहीं, यहाँ रोटियां ना आज बाजार से मंगा लेना, वरना मैं रोटियों पर उल्टियाँ करती रहूंगी, बस प्लीज प्लीज है ये कर दे जरा मेरा काम। और सम्मन की बच्ची को बोल देना अगर मुझे कुछ हुआ ना इसको नहीं छोड़ूंगी मैं। तो वाह, बस काम ना करने के बहाने इसके।